भाई स्वागत है आपका वूफी वर्ल्ड्स में। तो यार इन दौरान कुछ यार मेरे कबूतर है ना कुछ मर गए, जो मैं नए वाले सराजी लाया था ना, तो यार वो भी यार मारे नए वाले सराजी भी मर गए, और जो मेरे नए कबूतर थे वो कुछ बीमार हो गए, और दो तो जो नए लाया था वो तो मर गए, और कुछ एक ये भी बीमार हो गया, और ये भी, और एक को तो मैंने अभी दाना चुगाया है, अभी एक और को बाकी है। इन सबको पता क्या हुआ कि मैंने देखा यार ये मैं चला जाता था छोड़ के, पता बाहर ये नहाने लग जाते धूप में, और फिर ये सारे बीमार हो गए। तो अभी मैंने फिलहाल क्या करा, पानी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, किसी को नहाने नहीं दूंगा। ये नहा लेते ना तभी सारे बीमार पड़ जाते, धीरे धीरे करके सारे बीमार पड़ गए। सबसे पहले हमारी यार ये वाली कबूतर बीमार पड़ी थी, ये देखिए ये जो कबूतरी है ना ये उधर बैठी है, सबसे पहले बीमार पड़ी, अभी भी बीमार है, और इसको तो मैंने अभी अभी दाना डाला ही है। अरे देखिए एक ये नीचे बीमार हो गया, और यार ये भी बीमार हो गई है, हरी वाली कबूतरी। इसके साथ एक कबूतरी थी जो मैंने पहले लगाई थी ना, वो भी यार दोस्तों वो भी मर गई। तो वो पहले जो कबूतरी लगाई थी यार वो भी मर गई, और देखिए एक ही ऊपर बैठा है, ये देखिए ये ऊपर बैठा है, ये हमारा कबूतर है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी बीमार है, ये पता नहीं पहले हमेशा बाहर घूमता था और आज ये भी अंदर बैठा हुआ है। तो यार इसको पहले इन तीनों को तो हम देख लेते हैं, और इसको नीचे वाले को हम चुगाएंगे, क्योंकि यार ये बिल्कुल भी नहीं चुग रहा है। इसके साथ का जो था ना वो भी यार मर गया, पता नहीं कैसे सब में बीमारी आ गई। मैंने क्या करा, अभी फिलहाल मैंने बिल्कुल कम पानी रखा है, और बिल्कुल भी किसी को नहाने नहीं दे रहा, क्योंकि और उसमें मैंने पानी में सोच रहा हूँ बजरी वगैरह डाल दूंगा, ताकि इनकी चोंच चोंच जाए, और ताकि नहा ना सके, क्योंकि चोंच जाएगी सिर्फ पानी पानी पिएंगे। अब मैं इसमें बजरी और डाल दूंगा, बाहर वाली जो टब है ना उसमें, अभी फिलहाल इसको भी दाना देना है, और इन सबको लहसुन दे दूंगा, एक बादाम दे दूंगा, इसको दाना देना नीचे वाले को। ये देखिए ये कैसे बैठा पड़ा है यार नीचे, ये देख सकते हैं नीचे बैठा। इसके साथ वाला तो यार मर गया, पता नहीं कैसे, और ये दोनों ये वाला देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों साथ के कबूतर है, और इनकी हालत देखिए कैसे बीमार हो गई। ये वाला जो कबूतर है यार ये तो बिल्कुल बच्चे वाला कबूतर है, ये वाला इसके देखिए बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, बिल्कुल भी ये दाना नहीं चुगा रहा। अब देखिए इसकी हालत कैसी हो गई, मतलब चलने लायक भी नहीं बिल्कुल, और ऊपर वाले भी देखिए काफ़ी बड़े हो गए। ये बिल्कुल अच्छा कबूतर है हमारा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा बीमार हो गया, पता नहीं ये भी अंदर बैठा है, ये भी, ये देखिए ये भी बैठा है। और देखिए दोस्तों हमारे जो ना यहाँ पर कबूतरी जिससे मैं कहता था अंडे नहीं दिए इसने, अब तक इसने दोनों अंडे दे दिए, अभी फिलहाल यहाँ कबूतर बैठा हुआ है, तो ये बच्चे चला रहे अभी दाने के लिए, ये जाएगा चुगाने इनको, आराम से बैठा हुआ है अभी भी। तो पहले क्या करते हैं यार, सबसे पहले इन तीन को तो बाहर निकाल देते, एक एक लहसुन दे के, और जो नीचे वाला बच्चा उसको चुगा देते थोड़ा सा, क्योंकि यार कल भी मैंने चुगाया था, इसकी यार मेरे को उम्मीद नहीं है, पता नहीं ये बचेगा नहीं बचेगा। ये वाला देखिए दोस्तों, इसकी यार मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, पता नहीं ये बचे नहीं बचे, बस ये क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चुग रहा है, पानी तक पीने नहीं आता ये ना, पानी भी नहीं पी रहा बिल्कुल भी, जब से नहाया ना जब से पानी नहीं पी रहा, और ऐसे देखिए सारे नहा नहा के बीमार हो गए ठंड में, और जबकि मैंने यहाँ बल्ब भी लगा रखा है। और ऐसी यार हमारी जो कुछ बटेर थी ना वो भी मतलब वो भी मर गई, वो भी क्या करती, मैंने अंदर पानी डाल रखा था बड़े वाले कटोरे में नीले में, वो क्या करते उसमें भी नहा लेते थे, वो भी ऐसी ठंड में बीमार हो गए। गड्ढा कर दिया, ये तो नुई चला गया, और डालना पड़ेगा, खोल खोल, ये लेते हैं। भाई तू क्या कहेगा, क्या बोला था, बीट है, बीट बीट में सट जाते हैं सर, तो चप्पल सुन जाएगी, जल्दी बता क्या बोला था, बोल तो बोल जाओ, दो दर से बोल दे, तो देखो वैसे तो गना बोलेगा, अरे बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, बोल अब, अब देखो इसकी शक्ल, वैसे तो गना बोलता है, अरे जब कैमरा खोल दूंगा ना तब बिल्कुल नहीं बोलेगा, कैमरे के बाद मेरी नकल करता रहेगा। ये तो पानी में
लगाते हैं। चलो दोस्त यार, अभी तो मैंने वहाँ पर सीमेंट लगा दिया नीचे, तो क्या है वहाँ पर चूहे आते थे तो मैंने वहाँ सीमेंट भर दिया। अब यार इसको मैंने इधर रखा कबूतर को, इसको चुगाना बाकी है बस, इसको और चुगा देते हैं, ये वाला रह गया बस। क्या? कौन से बच्चे बड़े हैं? बच्चे? हाँ। तुझे पता कौन सा बच्चा सही लग रहा है? ओ बल्ब मच्छर, बल्ब मच्छर, बल्ब बल्ब फूट जाएगा। कौन सा वाला अच्छा है? वो साइड वाले इधर। कौन से वाला? वाले के व्हाइट वाले का साइड वाला। ये वाला। ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। ये दोनों किसको अच्छे लग रहे हैं? कौन से वाले? ऊपर वाले। वो तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? अरे बाबा ये वाले दोनों। ये वाले? हाँ ये वाले दो। अरे वो नॉर्मल कबूतर होता है ना, उसका मुकाबला देसी काफी अंडे बड़े अंडे पका के खा लेंगे। ये वाले कबूतर करते हैं अगले हमारे तुम। तो दोस्त यार अभी तो हो गया रात का टाइम, अभी फिलहाल मैंने अभी इसको चुगाया नहीं क्योंकि ये अभी भी बीमार पड़ा है और इसने अभी भी नहीं चुगा। फिलहाल तो इसकी चोंच है ना बंद हो गई क्योंकि शाम के टाइम में इसकी चोंच बिल्कुल खुली पड़ी थी। जो इसकी चोंच है ना वो फिलहाल अब बंद हो गई है, मतलब सुबह सुबह के टाइम तो इसकी खुली हुई थी, मुझे लगा आज तो ये चला गया। अभी फिलहाल देखिए ये बैठा हुआ है और इसकी चोंच फिलहाल अभी सही है, बस ये थोड़ा सा कमज़ोर है अभी भी। ये देखिए थोड़ा सा कमज़ोर है अभी भी, शायद ये हो सकता है ठीक, लेकिन नीचे वाला बच्चा मेरे को लग रहा है वो ठीक हो गया, तो इनको मैं सबको एक एक फिर से दे देता हूँ। यार मेरे को लग रहा है कबूतरी बेचारी अकेले बच्चे को शायद फीड नहीं करा पाएगी अच्छे से, तो देखते हैं यार, पता नहीं शायद फीड करा दे तो अच्छी बात है। तो एक बार भी चेक कर लेते कबूतरी ने अपने बच्चों को फीड कराया नहीं कराया रेड वाली ने, क्योंकि यार कबूतर तो बीमार है वो फीड नहीं करा पाएगा, तो अकेली कबूतरी दोनों बच्चों को फीड करा पाएगी भी नहीं करा पाएगी। सिराजी लाया था वो भी यार हमारे पता नहीं कैसे मर गए, वो भी यार ऐसी मतलब वो भी आए थे शुरू शुरू में, तो पहले दिन आया था तो पहले दिन सिराजी ना लिए, दोनों ना लिए भाई, सारे कबूतर ना लिए, तो एक एक करके यार सबको बीमार पड़े। और जो कबूतरी थी ना वो तो यार मेरे को लग रहा है ट्रैवलिंग के टाइम भी बीमार हो गई थी, और साथ में सिराजी भी सेम जो इसके साथ एक बच्चा था जो मैंने अभी दिखाया था वो भी सेम ठंड के कारण, मतलब ये सारे के सारे नहा के बीमार पड़ के बेड पे पड़े। अभी फिलहाल देखिए बस ये ऊपर वाले जो दोनों कबूतर हैं ये दोनों एकदम स्वस्थ हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब जल्दी नहीं नहाते, बहुत कम नहाते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर चुगने में रहते हैं या बच्चों को चुगाने पे। और ये भी नहा लिया था लास्ट टाइम, ये कल ही बीमार पड़ा इतना ज़्यादा, क्योंकि ये परसों ये नहाया था मेरे हिसाब से, और ये कल बीमार पड़ गया रात तक, और आज इसकी हालत ऐसी है बिल्कुल मतलब खाने लायक नहीं हो गया, इसको खिलाना पड़ रहा है, और हो सकता है ये शायद ठीक भी हो जाए। और मेरे को बाकी तो अभी ठीक लग रहे हैं, और हमारा ब्लैक वाला बिल्कुल ठीक है, और हमारी बटेर जो थी सेम बटेर की हालत थी, सेम बटेर भी मतलब नहाती थी ऐसी, तो मैंने बटेर का क्या करा पानी थोड़ा कम कर दिया कि ताकि वो नहा ना सके। और क्योंकि यार अब सिर्फ 6 बटेर बची और हमारी बटेर फिलहाल एकदम सही है इधर बैठी है, अब बजीज भी हमारे सही है, क्योंकि बजीज तो यार उनको ठंड लगती है तो उनके नीचे उनको तो मैं बिल्कुल बल्ब के नीचे रखता हूँ एकदम। ये देखिए ये दोस्तों हमारा बल्ब है, अब बजीज हमारे इसके नीचे बैठे रहते हैं एकदम, और बटेर हमारी देखिए यहाँ आराम से बैठी रहती है बिल्कुल भी, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं। टोटल बस हमारी अब बची है, तो पता नहीं यार 2 बुटेर बीमार हो गए वो भी सेम मतलब ऐसी यार एक साथ सारे मर गए, पता नहीं कैसे मेरी समझ में खुद नहीं आया। तो अभी फिलहाल बस ये मेरे को डर लग रहा है ये ना मरे, क्योंकि यार इसके बच्चे हैं वो अकेली कबूतर शायद इनको पाल नहीं पाएगी, तो बस इसका डर है ये, इसको कुछ नहीं होना चाहिए नहीं तो वो बेचारी कबूतरी अकेले बच्चों को नहीं पाल पाएगी। तो और बाकी कबूतर हमारे बस हेल्दी रहे, बस मैं यही दुआ करता हूँ। तो यार मिलते यार दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बस। और दोस्तों यार अभी अभी मैंने शाम को ही मतलब दोपहर के टाइम ही मैंने वहाँ पर गड्ढा भरा था, अब फिर से चूहों ने वहाँ देखे गड्ढा कर दिया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मतलब मैंने सुबह ही मतलब यहाँ भरा था और ये देखिए चूहों ने यहाँ फिर गड्ढा कर दिया छोटा सा, जबकि मैंने ये अभी भरा था, और ये मैंने थोड़ा सा बना दिया इधर ताकि यहाँ कोई बैठ सके।
अरे देखिए इन दोनों का पैर लग चुका है, इसके साथ की पहले वाली कबूतरी यार मर गई पता नहीं, वो भी सेम ठंड के कारण। और ये तो यार बहुत टाइम से बीमार है, मतलब ये अब ठीक है। देखिए हमारी बुटेर बोल रही है यहाँ पर, ये आराम से पता नहीं बोल रही है इधर। तो इनको यार बंद करते हैं, अब मैं जाता हूँ इन दो को बैठने देता हूँ आराम से, ताकि आराम से घूमते रहे। तो यार मिलते यार दोबारा किसी और वीडियो में, बस यही दुआ करना हमारे कबूतर ठीक रहे। तो यार बस चलते हैं, मिलते दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।